यूँ तो हम सब ये जानते हैं कि गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, बट पुरानिक ट्रेडिशन के हिसाब से ये माना जाता है कि गुजरात की फर्स्ट कैपिटल था देवभूमि द्वारका। एंड यही द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ में आता है बेट द्वारका, जिसका और एक नाम है द संकेन आइलैंड। वेल, बेट द्वारका चारों ओर से समुंदर से घिरा हुआ है एंड इसीलिए इस आइलैंड को मेन सिटी द्वारका से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है एक केबल स्टेड ब्रिज, जिसका नाम है ओखा पेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। एंड आज हम चर्चा करेंगे इसी ब्रिज के ऊपर एंड देखेंगे कितना प्रोग्रेस हुआ है इस ब्रिज में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आई थिंक यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आपको इस ब्रिज का ऐसा कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। सो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है एंड आपकी एक लाइक हमें और बूस्ट करती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। वेल, हम सभी को पता है कि द्वारका फेमस है द्वारकाधीश टेम्पल के लिए, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। एंड आपने कभी ना कभी सुना होगा चारधाम यात्रा के लिए। वेल, ये द्वारकाधीश टेम्पल उन्हीं में से एक है एंड हर साल पूरे इंडिया से काफ़ी सारे दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। एंड उनके लिए और एक आकर्षण है बेट द्वारका, जो द्वारका के मेन सिटी से करीब 30 किलोमीटर नॉर्थ में आता है और जो कनेक्ट होता है ओखा के थ्रू। वेल, अब जान लेते हैं कि क्यों ये बेट द्वारका इतने फेमस है। पुराणों में ये कहा जाता है कि बेट द्वारका कभी लॉर्ड कृष्णा का रेसिडेंस हुआ करता था एंड ये आइलैंड उनको उनके दोस्त सुदामा जी ने दिया था एज ए गिफ्ट, एंड इसीलिए इस आइलैंड का नाम हुआ है बेट द्वारका, जिसमें बेट का मतलब है गिफ्ट। सो इसीलिए बेट द्वारका दर्शनार्थियों के लिए भी काफ़ी फेमस है। बट बेट द्वारका में जाने का सिर्फ एक ही रूट है एंड वो है ओखा से होते हुए, और वो भी सिर्फ फेरी के जरिए। बट क्योंकि हर एक साल बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ होता है यहाँ पे, इसी चीज़ को देखते हुए 2016 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे एक ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव अप्रूव किया, और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन का स्थापना किया। विलिय ब्रिज बनने के बाद बेट द्वारका और द्वारका का कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, जो ना ही यहाँ के आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा बल्कि लोकल लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। वेल, इस ब्रिज की कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो इस ब्रिज का टोटल लेंथ है 2.32 किलोमीटर और ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। वेल, इस ब्रिज का जो सेंटर का 900 मीटर सेक्शन है सिर्फ वही होगा केबल स्टेड ब्रिज, एंड इस ब्रिज का डेक होगा कॉम्पोजिट स्टील रेनफोर्स कंक्रीट का। 27.2 मीटर चौड़ी इस ब्रिज में टोटल दो कैरेजवे होगा और इच कैरेजवे होगा दो लेन का, मतलब टोटल चार लेन का होगा ये ब्रिज, एंड दोनों कैरेजवे के बीच में अप्रॉक्स 1.2 मीटर का डिवाइडर रहेगा। ऑल्सो ब्रिज के दोनों साइड में 2.5 मीटर का फुटपाथ भी होगा पैदल आने जाने के लिए। वेल, इसके जो दो बड़े पाइलन्स हैं वो बना है स्टील से एंड इसका हाइट है अप्रॉक्स 130-150 मीटर। वेल, इस सेंटर ब्रिज को छोड़ के ओखा साइड में अप्रोच का लेंथ है करीब 209 मीटर एंड बेट द्वारका साइड में अप्रोच का लेंथ है करीब 1101 मीटर। एंड इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था 962.43 करोड़ रुपीज़ का, और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी है SP सिंगला, जो ऐसी चैलेंजिंग ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है इंडिया में। वेल, प्रोग्रेस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओखा साइड में ब्रिज का प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू बेट द्वारका साइड। वेल, सेंटर का कनेक्टिविटी तो अभी बाकी है, इवन बेट द्वारका साइड में बहुत सारे स्पैन्स में अभी भी डेक स्लैब का काम चल रहा है। सो आगे का इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ओवरऑल एक प्रोग्रेस का व्यू मिल जाएगा।
ब्रिज का डेडलाइन रखा गया था 30 मंथ्स पीरियड के लिए, जो था सितंबर 2021 तक, जो कि ओवर हो चुका है। लेट्स होप कि जल्दी इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो एंड इंडिया के इंजीनियरिंग मार्वल्स में इस सिग्नेचर ब्रिज का नाम जुड़ जाए। तो आपका क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।